आप सभी का एक बार फिर स्वागत है SPN9 के इस खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ फरहान। दिल्ली विधानसभा चुनावों को लेकर नए नए समीकरण सामने आ रहे हैं, नए आयाम बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। कभी शाहीन बाग का नाम लिया जाता है, कभी उसको हटा देने ख़त्म करने की बात कही जाती है, कभी गोली मारने की का जिक्र होता है और कभी कहा जाता है कि आपके घर में घुसकर बलात्कार किया जाएगा। इतने तमाम बातें सामने आ रही है दिल्ली विधानसभा चुनावों को लेकर, यहाँ से साफ स्पष्ट हो जाता है कि कोई भी राजनीतिक दल हो इस वक्त दिल्ली विधानसभा चुनाव को हारना नहीं चाहता, चाहे वह मौजूदा सत्ताधारी दल हो जो केंद्र पर अपनी सरकार बनाए हुए है, या फिर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल हों, या भारतीय जनता पार्टी छठवें राज्य को हारने की गलती नहीं करना चाहती। कहा जा रहा है कि अब उनकी छवि भी खत्म होती नज़र आ रही है, अमित शाह की भी, प्रधानमंत्री मोदी की जो एक छवि थी वह भी कहीं ना कहीं निचले स्तर पर आती हुई दिखाई दे रही है। इसलिए दिल्ली विधानसभा के चुनाव जीतना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है भारतीय जनता पार्टी के लिए। अब यहाँ पर संघ का भी एक बयान आया है, RSS की बात कर रहे हैं हम, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की। उनके दिल्ली प्रांत के संघ चालक हैं कुलभूषण आहूजा, उन्होंने लोगों को सावधान किया है और एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी ने पर्चे छपवाए हैं, चलिए पर्चे छपवाए हैं, और पर्चों में यह लिखा है कि संघ चाहता है कि आप आम आदमी पार्टी को वोट दें। जनता से यह गुहार लगाई जा रही है। संघ ने कहा है कि इस तरह के कारनामे जो हो रहे हैं यह आलोचना के लायक हैं, यह नहीं होने चाहिए, जनता को भ्रमित किया जा रहा है। अतः संघ ने इस तरह का बयान बिल्कुल भी नहीं दिया है, यह कहते नज़र आ रहे हैं कुलभूषण आहूजा। तो आपको क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी अब इस तरह का कार्य करने पर उतर आई है, या फिर RSS की है कोई चाल है कि आप खुद पर्चे छपवा दीजिए, लोगों में बंटवा दीजिए और बाद में अरविंद केजरीवाल के ऊपर यह बात थोप दीजिए, जिससे एक छवि भी ख़राब होगी? या हम नहीं कह रहे हैं, कयास लगा रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि खुलकर तो यह बात भी सामने नहीं आई है कि आम आदमी पार्टी ने इस तरह के पर्चे छपवाए भी हैं या नहीं छपवाए। लेकिन यदि छपे तो होंगे, पर्चे ज़रूर होंगे, लेकिन आखिर यह कार्य किसने किया है, यह हरकत किसने की है, यह सोचने वाली बात है कि क्या आम आदमी पार्टी को अब इतना गिरने की आवश्यकता पड़ गई? क्या 5 सालों में उन्होंने कोई कार्य नहीं किया है कि आपको इस तरह के पर्चे छपवाने पड़ रहे हैं? और क्या जनता इतनी बेवकूफ़ है, भ्रमित हो जाएगी मात्र पर्चे को लेकर कि संघ का ये बयान आया है? सोशल मीडिया का दौर है, आपको कोई बयान देना होता है आप तुरंत सामने आ सकते हैं, मिनटों सेकेंडों में आप लोगों के सामने रूबरू हो सकते हैं। तो आम आदमी पार्टी को क्या आवश्यकता पड़ गई कि इस तरह के पर्चे छपवा रही है कि संघ का कहना है कि आप आम आदमी पार्टी के हक में वोट दें? बल्कि यह पर्चे छपवाने से, बाद में यह भेद खोलने से कहीं ना कहीं BJP को फ़ायदा हो सकता है। वो वोट बैंक जो अरविंद केजरीवाल से इस तरह से जुड़ा हुआ नहीं है कोई विचारधारा से, बस वह अरविंद केजरीवाल को वोट देना चाहता है क्योंकि उसको शायद दिल्ली में विकास करवाना है, उम्मीद है, उसे लगता है कि फ्रेशर है, अभी 5 साल ही हुए हैं, किसी घोटाले में लिप्त नहीं है, तो हम उनको वोट कर दें। तो क्या इन पर्चों के मिलने के बाद, इस घटना के सामने आने के बाद वह मतदाता भारतीय जनता पार्टी के हक में चला जाएगा? इस संबंध में आपकी राय महत्वपूर्ण है, अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।